भारत के करेंसी उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, विश्व भारत की करेंसी को भी उतना ही सम्मान दे या हम चाहते कि नहीं चाहते, ये रुपये की इज्जत का कमाल है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो उसी में वो डूबे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, डॉलर के मुकाबले रुपए में आई है रिकॉर्ड गिरावट। और इस वक्त जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि करीब 9:45 पर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है 81 रुपए 14 पैसे। 81 रुपए 14 पैसे दोस्तों तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है, तमाम रिकॉर्ड। क्योंकि रिकॉर्ड तो उसी वक्त टूट गया था जब हमने 80 के लेवल को पार किया, मगर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 81 रुपए 14 पैसे, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी न्यूज चैनल इस पर डिबेट नहीं करने वाला है। डिबेट इसलिए नहीं करने वाला है दोस्तों क्योंकि जैसे ही आप इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान जो हैं वो देश की जनता को फिर से दिखलाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका यह पालतू मीडिया आखिर कैसे शर्मसार कर सकता है। याद कीजिए, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने क्या कहा था कि रुपया ऐसे ही नहीं गिरता है, किस तरह से उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे, सुनिए। यह ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, मैं नहीं बोला हूं उस वक्त जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे चिंता है अपने व्यापारियों की, व्यापारियों को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है सोचकर भी सिहरन पैदा होती है, ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। प्रधानमंत्री, उन व्यापारियों को लेकर आपकी चिंता कहां गई, अब तो 81 रुपए 14 पैसे। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था दोस्तों। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा, हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे, इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है उसको सहना मुश्किल हो जाए। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे 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 देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया। और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल, बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने यह भी तंज मारा था, मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने यह भी तंज मारा था कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रहते हुए देश की यह दुर्दशा। प्रधानमंत्री मोदी, आज तो 81 रुपए 14 पैसे की बात हो गई है। याद कीजिए अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में आपने कैसा तंज कसा था। देश जब आजाद हुआ तब एक डॉलर एक रुपये के बराबर था, एक रुपये में एक डॉलर बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीज तक,
और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था, 4% में फर्क आया था, लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया है। और प्रधानमंत्री आपके उस बयान को कौन भूल सकता है कि जिस तेजी से रुपया जो है गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, कभी कभी ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ज्यादा तेजी से कौन गिर रहा है, ये सरकार या रुपया। याद कीजिए मोदी जी आपने क्या कहा था, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए, इसकी कंपटीशन चल रही है। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं दोस्तों कि वाह मोदी जी वाह, और वाह मीडिया जी वाह, क्योंकि ये मीडिया इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।